पर मैं हूँ नीलम मलकानिया। कार्यक्रम है आज के मेहमान और आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ। आपने 500 से ज्यादा रैंप शोज किए हैं, 200 से ज्यादा कमर्शियल्स एड फिल्म्स आप कर चुके हैं, कई जाने माने धारावाहिकों का आप हिस्सा रहे हैं और 10 विदानिया, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस और गुमराह फिल्म में आपने सशक्त अभिनय किया है। आज के मेहमान हैं जाने माने मॉडल अभिनेता सचिन खुराना। सचिन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ऐसा करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको आपके बचपन में लेकर चलते हैं। ये बताइए कि अभी तो आप अभिनय के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, आपका बचपन कैसा था और अभिनय की ओर कैसे आपका झुकाव रहा? अभिनय तो बहुत बाद में आया मेरी लाइफ में एक्चुअली। जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ना, ठीक करना, अपना VHS निकालना। उसमें तो सारी टेप्स थी ना सारी। जी, मतलब टेप्स टूट जाए तो उसको खोल के पूरा करना, VHS में टेप अटक जाए तो निकाल के पूरा, और गाड़ियों में मतलब मेरा तो मन था कि मैं मैकेनिक बन जाऊं। गाड़ी नीचे घुसू, अपने हाथ पाथ गंदे करूं पूरे, अपने मतलब उसको पूरा ठीक ठाक करके बाहर निकालू। ऑलवेज हैड दिस की भाई, आई थिंक हर लड़कियों को शौक होता है स्पेशली गाड़ियों का, बाइक्स का। सो बस वही शौक थे मेरे मैकेनिक बनने के। एक्टिंग तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने बचपन में, ये तो बहुत बाद में, मॉडलिंग करने के काफी देर बाद अब लगा कि नेक्स्ट क्या करना है, तो एक्सप्लोर किया एक्टिंग करना। तो एक्सप्लोर किया तो फिर एक बार आप उसमें घुस जाते हो तो मतलब इट जस्ट सक्स यू इन, मतलब आपको एकदम से खींच लेता है। और ये कहा जाता है कि अभिनय का कीड़ा या फिर मॉडलिंग का कीड़ा जब भी काटता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बताइए कि आप मॉडलिंग में फिर किस तरह से आए, कैसे शुरुआत हुई? सी, मॉडलिंग में मेरे दोस्त का बड़ा भाई एक मॉडल था, अभी भी है, वो मॉडलिंग नहीं करते जी। एंड उनके एक दोस्त थे फोटोग्राफर सुबोदास, दिल्ली के जाने माने फोटोग्राफर है वो, तो वो भी शुरुआत कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने देखा चलो एक बार देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बन के आता है, हमारी फोटोग्राफ्स कैसे निकल के आती हैं। तो ऐसे शौकिया फोटोग्राफ्स खिंचवाई और काफी ठीक ठाक आ गई थी फोटोग्राफ्स। तो फिर शुरुआत हो गई वहां से, फिर लोगों को फोटोग्राफ्स अगर हम बांटी। तो उस टाइम बहुत पतला था मैं, तो मुझे बोला गया थोड़ा चलो भाई जिम विम जाओ, ये करो वो करो। सो दैट हैपेंड एंड फिर धीरे 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 मिस्टर इंडिया हैपेंड जी। फिर उसके बाद तो नो लुकिंग बैक, वो जो आप मैकेनिक बनना चाहते थे दूसरी गाड़ियों की, ये गाड़ी आपको इस क्षेत्र में ले आई, इस पटरी पे ले आई जी। बिल्कुल। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।
सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें, सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें, हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता मॉडल सचिन खुराना। आपने शुरुआत प्रिंट मॉडलिंग से की? हाँ, प्रिंट मॉडलिंग से की। तो उसके बाद रैम्प? हाँ, रैम्प भी साथ साथ शुरू हो ही गया था, बिकॉज मैं 6'1" हूँ मैं जी, तो धीरे धीरे वो ग्रूमिंग करते करते रैम्प भी शुरू हो गया साथ साथ जी। रैम्प के बारे में कहा जाता है कि मोर एटीट्यूड लेस एक्सप्रेशन, लेकिन आप एक अभिनेता भी हैं। हाँ, मगर उस वक्त थोड़ा डिफरेंट था सारा सिस्टम, उस वक्त ज्यादा स्माइल्स थी, उस वक्त अच्छा। थोड़ा इतना फॉर्मल, जैसे आप देखते हो ना हाई फैशन जब हो गया, स्ट्रेट वॉक करो, स्टर एक्सप्रेशन, सिर्फ कपड़े, वॉक लाइक अ हैंगर जी, उस टाइम वो नहीं था, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंटरेक्शन थी, ज्यादा स्माइल्स थी, अब थोड़ा चेंज हुआ है जी। तो उस वक्त की मॉडलिंग इस तरह की थी। हाँ, अच्छा, मॉडलिंग जब करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो मॉडल्स हैं वो प्रेफर करते हैं इसी फील्ड में रहना, क्योंकि जो अभिनय का क्षेत्र है वो बहुत मेहनत भी मांगता है, उसके लिए रिसर्च भी मांगता है, तो मॉडलिंग से किस तरह से फिर अभिनय में आए? अधिक मेहनत तो हर जगह है, अगर आप अच्छा मॉडल भी बनना चाहते हैं, हर चीज में कॉम्पिटिशन होता है जी, तो आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, यू हैव टू लुक योर बेस्ट, मतलब लगना चाहिए कि इंसान एक मॉडल है, उसका अपना एक स्टाइल होना चाहिए सब कुछ, तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत लगती है अपना स्टाइल क्रिएट करने में। वो बोलते हैं ना कि हाउ यू स्मेल, आपकी खुशबू कैसे आती है इंसान की, वो आपको एक एज लेके जाता है, सो एवरीथिंग, योर हेयर स्टाइल टू योर क्लोथ्स टू हाउ यू स्मेल, सो उस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब एक्टिंग में आए तो डबल मेहनत करनी पड़ती है जी। वो ही आप कहना चाह रही थी इनफैक्ट, तो ऐसा नहीं था कि मेहनत से कभी हाथ हमने पीछे रखा है कि मेहनत नहीं करनी, मगर एक्टिंग में एक अलग दुनिया खुल गई भाई, ये तो अलग ही किरदार किसी और को प्ले करना, आप तो हुई नहीं है जी, आप किसी और को प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो पूरा सोचता कैसे है इंसान, करता क्या है वो, सब कुछ करते करते यस और मेहनत लगी, और मेहनत लगी, और मजा भी बहुत आया। तो ये जो शुरुआत की थी करियर की, वो कहाँ से की थी, भारत के किस हिस्से से की थी आप? दिल्ली से शुरू की थी। दिल्ली से? हाँ, हाँ। देन मुंबई हैपेंड, या आपने यहीं से सीरियल शुरू कर दिए थे दिल्ली से ही? दिल्ली में ना हमने एक प्ले किया था, तो हम 4-5 मॉडल्स थे पहले, तो मुझे याद है उस वक्त ये 2000 की बात है, मेरे साथ रणदीप हुड्डा था, मैं था, आशीष नय्यर, एक वो भी एक्टर है, टेलीविजन काफी करते हैं, तो हम 4-5 लोगों ने मिलकर, आई थिंक रणदीप अभी ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो किसी के थ्रू हमें मिला, वो बोलता मैं भी करूंगा एक्टिंग, मैं चलो प्ले करते हैं, सब लोग प्ले करते हैं, तो वो दिल्ली में शुरुआत हुई थी हमारी, और बहुत फनी चीजें हुई थी उस प्ले में, किसी ने उर्दू के प्ले में अंग्रेजी बोल दी बीच में, मुझे हल्की हल्की हिल रही थी हमारी, हंसते हंसते कि भाई अंग्रेजी अब बीच में कहां से आगे सब कुछ क्या हुआ, तो बहुत मजा आया एक्चुअली। दिल्ली से शुरुआत की और इस तरह से रंगमंच से आप जुड़े, तो आगे ये सिलसिला जारी रहा, और भी नाटक किए, और भी प्रोडक्शंस किए? नाटक और नहीं किए, बॉम्बे जाकर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, जब कुछ कर रहे हो तो फुल तैयारी के साथ करना चाहिए, वरना आधे अधूरे तो मतलब कहीं भी नहीं पहुंचोगे, तो वो किया, फिर पता लगा कि एक्टिंग ऐसी चीज है मतलब जहां आप सारी उम्र सीख सकते हो, कभी ये खत्म ही नहीं होता इसका सीखना, तो फिर आगे बढ़ते गए वहां से। करियर के तौर पर आपने एक्टिंग को चुना, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, जो भी करो शिद्दत के साथ करो, ठीक से करो, मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा कुछ करना है जी, ना तुम खुश होगे ना हम खुश रहेंगे। हाँ। कि ये लड़का बस यहाँ उसका माइंड चेंज हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, तुमने कहा था तुम्हारी मर्जी है, बट डू इट वेल, डू इट 100%।
बहुत सारे युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के माध्यम से, और युवाओं का ये सपना है कि ग्लैमर वर्ल्ड है, बहुत फैसिनेट करता है, तो वो सोचते हैं कि मुंबई बस हम किसी तरह पहुंच जाए और पहुंचते ही जो है वो किस्मत बदल जाएगी, और मुंबई पहुंचने के लिए जो है वो भी बहुत सारी चीजें छोड़कर तोड़कर किसी तरह से मुंबई जाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हर चीज एक तपस्या है, कुछ भी करें हम पूरी शिद्दत के साथ करें, अगर तपस्या नहीं की उस चीज पे तो मतलब कहीं पहुंचोगे नहीं आप जी। हर बंदा एक्टर बनना चाहता है, मतलब हर तीसरा चौथा बंदा तो बनना चाहता ही है, तो वो पूरा समझना पड़ता है क्या ग्राफ है, कहाँ शुरुआत करनी है, कहाँ तक पहुंचना है। जैसे एक डॉक्टर को लगते हैं 10,000 घंटे जी बनने में, उसको 8 साल लगते हैं मतलब डॉक्टर बनने में, उतना ही टाइम एक्टर को भी लगता है जी। 7-8 साल लगते हैं आपको अच्छा एक्टर बनने में। मैं तो बोलता हूँ मेरा एक्टिंग का एक नया चैप्टर 40 के बाद शुरू हुआ, जब मुझे लगा मैं एक्टिंग कर सकता हूँ प्रॉपरली जी। और तब तक आप टेलीविजन कर चुके थे? हाँ जी। आपने दूरदर्शन के लिए काम किया, आपने प्राइवेट चैनल्स के लिए काम किया, टेलीविजन में एक्टिंग का एक अलग मेथड है और आप सिनेमा के अभिनेता हैं, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? सी टेलीविजन तो इज अ मीडियम ऑफ क्लोज अप, बिल्कुल छोटा स्क्रीन होता है जी। अभी भी आधे ज्यादा ज्यादा घर में मतलब हमारे 21 इंच अब 32 इंच हो गया नॉर्मल, हाँ। 40 इंच हो गया जी। तो फिर भी क्लोजअप अभी भी मीडियम है टेलीविजन का। जब हम लॉन्ग शॉट करते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्लोजअप, जब मेन डायलॉग्स आते हैं तो क्लोजअप पे आना ही पड़ता है। मूवीज में बड़ा पर्दा है तो आप थोड़ा बहुत लंबे शॉट्स लेके हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये मेन डिफरेंस है जी आपका। मगर अब देख रहा हूँ वो चीज ना, वो दूरी बहुत ज्यादा थी पहले, अब थोड़ी दूरी कम हो गई है, कम हुई है जी। थोड़ी कम हुई है, मगर अभी भी ये मेन मुद्दा ये फर्क रहता है। और टेलीविजन आपके पास टाइम नहीं होता शूट करने का, बजट इतने नहीं होते, वो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये कमर्शियल एंगल है उसका, कमर्शियल एंगल है उसका जी। पहले जो फिल्म के एक्टर्स होते थे वो टीवी से थोड़ा परहेज रखते थे शायद, उन्हें लगता था उतनी रीच नहीं है, तो आजकल क्या अंतर आप पाते हैं? आई थिंक रीच वाली बात तो डिफरेंट थी, मेन था कि एक्सक्लूसिविटी। अगर मैं बड़े पर्दे का एक्टर हूँ, अगर मैं रोज देख रहा हूँ टीवी में फ्री में, तो एक्सक्लूसिविटी थोड़ी कम होती है, कम होती है। आप मैं यहाँ से ग्रेजुएट कर सकता हूँ वहां जाने के लिए, और वहां से अनलेस को मेरे पास बहुत लुक्रेटिव ऑफर है, टेलीविजन मीडियम में वापस नहीं आना चाहते वो लोग, बिकॉज बड़ा पर्दे का एक बार वही, इफ यू सी योरसेल्फ इन अ बिग स्क्रीन, छोटे स्क्रीन देखने में थोड़ा लगता है कि भाई वो मजा नहीं आता एज एन एक्टर जी जी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा
अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई तकनीकी तौर पर क्या अंतर है तीनों मीडियम में, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं रंगमंच का अनुभव भी लिया और उसके बाद आप टेलीविजन मॉडलिंग देन फिल्म, तो उसमें जो टेक्निक है जो मेथड है एक्टिंग का वो आपने बताया, टीवी और सिनेमा का आपने बताया, तो जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक भी क्या इन विधाओं में कुछ अंतर आया है तकनीक के तौर पर? रंगमंच में थोड़ी सी वॉइस प्रोजेक्शन आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जी, हाँ आपके ऑडियंस वहां तक में, जबकि आपके पास माइक्स होते हैं फिर भी थोड़ा सा लाउड एक्शंस बिकॉज पीछे के लोग भी देख रहे हैं आपको जी, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है जी। टेलीविजन सटल एक्सप्रेशन ज्यादा काम आते हैं, थोड़ा सा सटल होता है जी। रंगमंच के अगर हम कंपेयर करें तो मूवीज द मोस्ट नेचुरल, ये थोड़ा सा फर्क आता है कि अनलेस आपका किरदार वैसा है थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा या कुछ थोड़ा लाउड उसमें चाहिए हाँ, तो हाँ, जी फिर वो बात अलग है। तो आपने जो फिल्में की जैसे अंकुश अरोड़ा मर्डर केस, के मैनन के साथ में आप उसमें रहे, और गुमराह आदित्य रॉय कपूर, देन दस विदानिया की अगर हम बात करें तो नेहा धूपिया, विनय पाठक, विजेंद्र काला, रजत कपूर, ये बहुत हैवी क्राफ्ट माने जाते हैं थिएटर से जो आते हैं, ऐसे में जो आपका अनुभव था थिएटर का उसने क्या रोल निभाया उस बॉन्डिंग में एज एन आर्टिस्ट जो आपस में बॉन्डिंग होती है सेट पर? नेहा तो मेरी दोस्त थी दिल्ली से ही जी, उनको पहले से जानता था मैं जी, फिर विनय जी के साथ भी मुलाकात हुई, ही वॉज वेरी हम्बल, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, मैंने उनके प्लेस देखे हैं जो सिंगल एक्ट प्ले करते हैं, वो दो घंटे का एक्ट प्ले करते हैं सीफो क्लाउन जी, आई थिंक हर एक को वो प्ले देखना चाहिए अगर मौका मिले तो, दो घंटा एक इंसान एक किरदार प्ले कर रहा है मतलब बहुत बड़ी बात होती है। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी हमारी, इनफैक्ट उन लोगों के साथ भी, आई थिंक हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी एनर्जी आपकी, पॉजिटिविटी है, आप काम पे फोकस कर रहे हो जी, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आई थिंक वो रिस्पेक्ट से ही बॉन्डिंग शुरू होती है, रिस्पेक्ट जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है कुछ बॉन्डिंग में नहीं होगी जी जी। जब स्क्रिप्ट आपको मिलती है और अलग किरदार उसमें है जो कि आपके जीवन से बहुत अलग है, तो वो किरदार के लिए क्या स्टडी करते हैं, सेट पर जाते हैं तो उसे खुद में कैसे उतारते हैं फिर? आई थिंक बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए और करते भी हैं लोग, मैं भी काफी करता हूँ। मैंने एक सीरियल किया था जी टीवी के लिए आपकी अंतरा, उसमें मैं एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्ले करता हूँ, तो मैं करीबन 10-12 ऑटिस्टिक स्कूल्स में गया था मैं देखने के लिए कि बच्चों की थेरेपीज क्या होती हैं, पहली बात तो ये, और उनके साथ किस पेशेंस के साथ आपको बिहेव करना है, डील करना है, एक स्पेशल चाइल्ड को अनुभव किए बिना आप एक्चुअल में वैसे मतलब आप एक्ट नहीं कर सकते कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, अनुभव करना बहुत जरूरी है वो चीजें इनफैक्ट। तो मैंने 2-2.5 महीने ये सब तैयारी की थी, और पूरा आपका एक कैरेक्टर स्केच होता है पूरा, मतलब कि ये जो मेरा रोल था उसमें डॉक्टर विक्रम कहाँ पैदा हुआ, किस खानदान में था, क्या उसके मतलब नुआंसेस थे, क्या उसके ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, कैसे उसको गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, क्या चीज उसको टच करती है, पूरा किरदार बनाने के बाद फिर उस रोल के लिए वो जो मुझे प्ले करना था उस सीरियल में थेरेपीज करवानी थी मुझे जी, जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा तो मैं एक कन्विक्शन के साथ डॉक्टर नहीं प्ले कर सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का जी, सो ये सब करना पड़ता है और आई थिंक वो दिखता है कि आपने किया कि नहीं किया। और जैसे एक कलाकार के लिए कहते हैं अगर कोई गायक है तो रियाज करता है, शायद अभिनेता का रियाज यही है, ऑब्जर्वेशन जो है और जो तैयारियां हैं, ऑब्जर्वेशन भी है और आपको अपनी स्पीच पे भी बहुत काम करना पड़ता है जी, वो तो आप जानती हैं, पढ़ो, अगर आप कुछ गाना गा सकते हो तो वो बहुत अच्छा होता है जी, बाहर तो काफी अच्छे एक्टर्स अच्छा गाना भी गाते हैं, यहाँ इतना नहीं है, मैं तो अच्छा गाना नहीं गा सकता, बहुत कोशिश कर ली मैंने मैं वहां तक नहीं पहुंचा, एक समय आएगा। हाँ आपने स्पीच की बात की तो मैं जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के भी मन में ये बात होगी, रेडियो के साथ किस तरह का जुड़ाव रहा, कोई मेमोरी ऐसी जो रेडियो से जुड़ी हो जो आप शेयर करना चाहें हमसे? रेडियो के साथ इतना मतलब हम जब भी फिल्में प्रमोशंस के लिए गए हैं तब रेडियो स्टेशंस गए हैं मोस्टली, या कोई नया टेलीविजन शो आया है तो उसके लिए गए हैं, जब चंद्रमुखी लॉन्च हुआ था जी वो काफी लंबे समय हाँ जी, तो फिर FM चैनल्स काफी गए थे हम लॉन्च करने के लिए बिकॉज वो बहुत बड़ा शो था डीडी के लिए भी, इनफैक्ट वो जी भी लोग पहचानते हैं उस शो को इनफैक्ट। जो आज की जनरेशन है जब वो एक्टिंग की बात करते हैं, फेवरेट एक्टर्स की बात करते हैं, तो उनमें
कुछ लोग आपका नाम लेते होंगे, हमारे फेवरेट एक्टर सचिन खुराना है। सचिन जी जब छोटे थे फिल्में देखते थे किसको अप्रिशिएट करते थे, आपके वो कौन एक्टर्स थे? हमें तो बस एक नाम याद आता है, मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन। आई थिंक हमारे उस वक्त, अब सब जो 40s में हैं, उस टाइम बच्चन साहब वाज द किंग, द एंग्री यंग मैन, सारी जंजीर, महान, हमने सब पिक्चर तो वही देखी है उस टाइम बड़े होते होते। उस वक्त तो बच्चन साहब तब भी थे और आज भी नंबर वन है हमारे लिए तो। जी, खुद में वो अमिताभ ढूंढा। अगर आपको कहा जाए कि अमित जी की किसी फिल्म में आपको वो वाला किरदार निभाना है जो अमिताभ जी ने किया था, तो वो कौन सी फिल्म होगी, कौन सा किरदार? आई थिंक इतनी सारी उन्होंने फिल्में अच्छी अच्छी की हैं, खुदा गवाह में, जंजीर में, शक्ति में, शक्ति में उनका बेटा जब प्ले करते हैं, जो दिलीप साहब के साथ जो सीन्स हैं उनके, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात करते उन सीन्स के बारे में आज भी। जी, लंबी लिस्ट है। याराना में अमिताभ बच्चन जो थे, क्या बोले, सब फिल्में, सारी की सारी। और अगर अमिताभ बच्चन का कोई गीत आपको इस वक्त यहाँ श्रोताओं को सुनवाना हो तो कौन सा गाना होगा वो? मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी, ला 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 la 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 mere angne mein aur mere angne mein tumhara kya kaam hai mere angne mein tumhara kya kaam hai jo hai naam wala अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी लंबी हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है कोठे से लगा दो अरे कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी मोटी अमोटी अमोटी ओ मोटी 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 जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है बिस्तर पे लेटा दो अरे बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी काली पर जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है आंखों में बसा लो अरे आंखों में बसा लो सुरमे का क्या काम है आंखों में बसा लो सुरमे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी गोरी 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 अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है कमरे में बैठा लो अरे कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
आपने बताया कि आपके पसंदीदा कलाकार अमिताभ बच्चन हैं और किसके नहीं हैं, और दूसरी बात आपकी आवाज बहुत मिलती जुलती है उनसे, तो हम चाहेंगे कि आप अमिताभ जी के बोले हुए वो संवाद जो बहुत हिट हुए और लोग सुनना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो आप सुनाएं हमें। हेतुंगा जो शो होस्ट करते हैं जी। चलिए भाई और बहनों, आज शुरुआत करते हैं। आपके पास चार विकल्प है। आपका पहला विकल्प है कि आप FM रोज सुनेंगे। आपका दूसरा विकल्प है आप FM रोज सुनेंगे। और आपका तीसरा विकल्प है आपको FM सुनना पड़ेगा। चलिए बताइए, इन तीनों में से आपका कौन सा सही उत्तर है? मेरे तो तीनों ही उत्तर सही हैं। हम चाहेंगे कि FM गोल्ड से इसी तरह हमारे लिसनर्स जुड़े रहें और आप जैसे गेस्ट हमारे स्टूडियो में आते रहें और हमारे श्रोता ज्यादा से ज्यादा बातें फिल्म इंडस्ट्री की, जीवन की जानते रहें, प्रेरणा लेते रहें। हाँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान, और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता मॉडल सचिन खुराना। तो सचिन जी, फिल्मों में सेट पर किस तरह का माहौल होता है, और मैं खास तौर पर यहाँ बात करना चाहूंगी गुमराह की, जो भी हाल फिलहाल मैंने देखी है। और सबसे पहले तो आपको इतनी अच्छी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी फिल्म है गुमराह, बहुत एंटरटेनिंग है, और उसमें एक मैसेज भी है हिडन। अब ऐसे में जो गुमराह फिल्म के सेट का जिक्र है वो आप जरूर करें, और कुछ इंटरेस्टिंग कोई बात उस सेट की आप हमसे शेयर करना चाहें तो। आई थिंक पहली बात तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था फिल्म का मुझे, मतलब जी, कि अगर कुछ कोई मर्डर होता है या कुछ होता है और आपका शक दो लोगों पे जाता है जी, और दोनों लोग हमशक्ल हो, तो आप किसको ब्लेम करेंगे, किसको सजा देंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो यही है। और इस फिल्म को करने में मजा तो बहुत आया मुझे, बिकॉज ये जो डायरेक्टर थे, फर्स्टली इनके फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, ये चार पांच पिक्चरों के पहले असिस्टेंट रह चुके थे और उनकी ये पहली फिल्म थी, और ये एक रीमेक है साउथ फिल्म की एक्चुअली ये जी। तो मुझे बोला गया था कि आदित्य रॉय कपूर के आप फादर प्ले कर रहे हैं। पहले मैंने पूछा उस टाइम कितने बड़े होंगे वो जी, छोटे थे उस वक्त, मतलब जब से पैदा होते हैं और फिर 12 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, तब आपको प्ले करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और फिर बताया गया कि जो फादर उसके हैं वो आज क्यों ऐसा है वो दोनों बच्चे, बिकॉज अपनी परवरिश उनकी कैसी गई थी उनकी, तो हमने वो सब शूट किया था। इनफैक्ट उनके साथ जी, मैंने रौनित वर्मा सर के साथ भी पहले शूट किया हुआ है हॉस्टेजेस, वो भी इसमें हैं, वो भी इसमें इसी भी प्ले करते हैं। वो बता रहे थे मुझे इनफैक्ट कि एक टेक्निकल सीन बहुत इंटरेस्टिंग है इसके ऊपर, कि जब आदित्य रॉय कपूर से ही लड़ता है जी, उनकी पुलिस स्टेशन में एक अच्छी खासी फाइट है, वो टेक्निकली आई थिंक काफी चैलेंजिंग चीज है वो, बिकॉज आपने एक मुक्का मारा, एक दोनों के फेसेस उस टाइम फ्रेम में है, तो लॉट ऑफ सीजी वर्क गोज इन नाउ। जैसे उन्होंने एक वो शूट किया और ये पूरा मास्क लेके उनका वो पूरा फ्रेम कंप्यूटर ने पूरा बना लिया और वो डुप्लीकेट पे उस पे डाला जी, मगर डुप्लीकेट भी कितना है, एग्जैक्ट सेम हाइट है, सब कुछ है, तो उनको ये भी शूट करना पड़ा, ये अलग देते अभी ये वाले शूट भी शूट करना पड़ा, दोनों शूट करने के, काफी टेक्निकली चैलेंजिंग चीजें होती हैं। आई थिंक वो बहुत अच्छा निकल के आया था वो चीजें वाली, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्मों का। और ये सेट्स पे मतलब मस्ती बड़ी होती है। आई टेल यू अबाउट हॉस्टेजेस, जब हमने हॉस्टेजेस शूट किया था, उसमें मेरे साथ दिव्या दत्ता हैं, रौनित जी हैं, खुद भी थे उसमें। तो कई बार तो ऐसे होता है कि हम एक ठंड वाली जगह में शूट कर रहे थे, बहुत ठंड थी सुबह सुबह, सबने दो दो स्वेटर पहने हुए, मैंने बनी थी हाफ स्लीव शर्ट जी। और ये मैक्सिमम आप एक वार्म बनियान नीचे पहन लोगे और क्या कर लोगे, तो ठठू ठोर के मतलब डायलॉग्स बोलने हैं उसमें, आवाज ही नहीं निकल रही है जी। अब डायलॉग्स ही भूल गया। बट देन वी शॉट द होल सीन एंड अल्टीमेटली हमने उसको डब किया बाद में। अच्छा, हाँ डब करना पड़ा, बिकॉज वो इतनी ठंड थी सुबह सुबह, क्लैरिटी नहीं आ पाई सुबह सुबह जी, जी। और कुछ ना कुछ मस्तियां होती रहती हैं सेट पे, जैसे एक पूरा सीन शूट कर लिया, पूरी फाइट सीक्वेंस हो गया, एक कंटिन्यूटी में कोई गन होती थी साइड पे पड़ी हुई, वो गन ही नहीं है, पूरा फाइट सीक्वेंस दोबारा शूट करो जी। तो चीजें काफी मतलब ऐसी होती रहती, कंटिन्यूटी बनाए रखना वो बहुत मुश्किल काम होता है। कभी कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ कि किसी किरदार में जो आपका हेयर स्टाइल है वो अलग है, या जैसे क्लीन शेव है या नहीं है, ऐसे में इन चीजों की कंटिन्यूटी, जो कि हम अपनी बॉडी से ही प्ले करते हैं, विग या उसमें मेकअप नहीं होता है, तो कभी इस तरह का हुआ कि कंटिन्यूटी के लिए बहुत लंबे टाइम तक आपको उसी गेटअप में रहना पड़ा? हाँ होता है काफी देर रहना पड़ता है। इनफैक्ट एक बार मूछें रखी थी मैंने, तो कुछ और काम आ गया तो मूछें शेव करनी पड़ गई जी। अब वो जो पहले शूट करे थे वापस करना है, वो अब उसमें 1.5 महीने की मूछें जी, अब कल से शूट है वो, नकली मूछें बन के आती है, बट इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो एग्जैक्ट सेम बनाई मुझे। मैं नकली मुझे में ये होता है कि आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, वो स्टिकीनेस रहती है आपके ऊपर, ब्लू रहता है वहां पे।
अदरवाइज ये सब चीजें होती हैं, सब प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार अच्छा मजा अच्छा आता है। जी हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मोड़ के पल को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपकी आंखों इस दिल को बसा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मोड़ के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता मॉडल सचिन खुराना। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपने बताया कि स्ट्रगल भी बहुत है, फिर आपने बताया कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेज पर मस्ती बहुत होती है। अभी तक शूटिंग का कोई भी एक ऐसा मोमेंट जो आपके दिल को बहुत छू गया हो और आप जब भी उसे याद करते हैं तो बेहद आपको खुशी वो देता हो या किसी तरह से इंस्पायर करता हो, कोई मोमेंट इस तरह का? मैं एक शो कर रहा था अविनाश आईपीएस जी, आई वाज प्लेइंग अविनाश इन दैट, तो उसमें मुझे याद है एक बहुत लंबा चौड़ा पूरा मोनोलॉग था, एंड में सीन था पूरा एक ज्वेलरी स्टोर का, कुछ ज्वेलरी की चोरी होती है, मैं पकड़ता हूँ सब कुछ वो करता हूँ, तो एक ढाई तीन बीच का एक मोनोलॉग था और मजे मजे लेके मैंने एक फटाफट एक टेक में किया और सबने तालियां मारी जोर जोर से। तो दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स एज एन एक्टर अगर कोई अप्रिशिएट करता तो अच्छा लगता है आपको। देखो मुझे आज भी याद है वो वाली बात जी, हमने एक सीरीज शूट की थी ख्वाबों के दरमियान, तो ऐसी अगर लंबे लंबे सीन के बार आप परफेक्टली शूट करते हैं आप भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, कैमरामैन भी खुश, सब कुछ ठीक जाता तो बहुत मजा आता है जी। रेयरली होता है ऐसे, बट मजा आता है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है सीन्स जी। ऐसे में अभी जो आपका इंडस्ट्री में अपना जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल जो है, वो क्या सभी अभिनेताओं का है, क्या उस सर्कल में और भी फील्ड से हैं लोग? बहुत बाहर से हैं अभिनेता है, तो मतलब मिलते हैं हम, सेट पे मिलते हैं, अच्छी दोस्ती होती है, पर अपनी अलग अलग अपनी लाइफ, हर एक की लाइफ होती है जी। जो असली दोस्त होते हैं हमारे, एक्चुअली हमारे बचपन के ज्यादा होते हैं, तो वही है, पर दो चार दोस्त इंडस्ट्री से भी अच्छे अच्छे हैं जी, पर मोस्टली
बाहर से ही है। बाहर से है। तो जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है अभी आपके पास, मॉडलिंग का कोई असाइनमेंट नहीं है, बिल्कुल जब खाली है थोड़ा सा वो समय, उस वक्त आप क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं, जिम में जाते हैं। मूवीज तो इतना देखने का मतलब हमारी इंडस्ट्री और बहाना मिलता है, चलो अभी देखनी है, हमारा काम ही यही है। इट डजंट फील लाइक वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो मूवीज देखने का बहुत शौक है जी। एक वर्चुअल रियलिटी है मेरे पास, उसमें हम गेम्स बहुत खेलते हैं, वर्कआउट भी कई बार उसमें कर लेते हैं। बॉम्बे में बारिश बड़ी होती है जी, जिम जाने का कई बार मन नहीं करता। हाँ। तो उसी में लगा के गेम्स करके वर्कआउट भी कई बार ऐसे कर उसी लेते में हैं। हो जाता है कई बार ऐसे जी। तो बस यही सिंपल से शौक है। गुमराह फिल्म में आपने बच्चों के साथ में काम किया, तो आपकी अंतरा में भी आपने एक बच्चे के साथ में काम किया था, क्या डिफरेंस है अभी फिल्म में आपने देखा बच्चों को और वहां गुमराह में एक छोटी सी बच्ची थी? तो बच्चे जब आपके साथ काम करते हैं तो आपका अपने क्या टेक्निक है कि वो ज्यादा आपके साथ घुल मिल सके बच्चे? सेम टेक्निक है, मतलब उनको अपना दोस्त बनाओ, जिस उम्र के भी हो जी उनके साथ वैसे बन जाओ, उनके दोस्त बनो एक्चुअली। अगर 5 साल के बच्चा भी तो उसके साथ खेलो, जो खेल रहा है उसके साथ खेलो, 10 साल के तो उसके साथ वो वाली गेम खेलो जी, मस्ती करो, कुछ इंटरेक्शन करो। बच्चे बहुत प्योर होते हैं और जल्दी आपके साथ घुल मिल जाते हैं जी, उनको दिखता नहीं है कि क्यों कर रहा है ये सीन के लिए कर रहा है, स्पेशली कर रहा है। तो बच्चे आपके साथ काफी जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो वो आसानी होती है। बार पेशेंस तो चाहिए आपको इनिशियली जो आइस ब्रेक करने के लिए। और चलते चलते हम ये चाहेंगे कि फिटनेस टिप्स आप जरूर हमारे श्रोताओं को दे, बिकॉज यू आर क्वाइट फिट। और जैसा कि आपने कहा कि फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के फादर का रोल प्ले करना था, बट आप एक जैसे ही दिखते हैं लगभग, तो वो फिटनेस का राज क्या है? आई थिंक फिटनेस का राज एक लाइफस्टाइल है। जैसे खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे एक्सरसाइज खाना भी इम्पोर्टेंट है जी। मैं एक रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं इनफैक्ट एक डॉक्टर है, एक PhD है, 102 साल के हैं वो, एंड उनसे एक सवाल पूछा गया था जी, अगर आपको लंबा जीना है तो पहली चीज क्या करेंगे आप? बोलते हैं लंबा अगर मुझे जीना है तो मेरा 1 घंटा एक्सरसाइज 3 घंटे जीने के बराबर होगा। तो एक्सरसाइज करना इतना जरूरी है। डाइट तो अनशन रात को मत खाएं, वो थोड़ा आयुर्वेद फॉलो करें जी, जैसे खाना चाहिए जिसकी क्या प्रकृति है थोड़ा वो फॉलो करके कोशिश करें, तो बॉडी को आसानी होती है। और रात को लेट नाइट ना खाएं, मैं तो इतना ही फॉलो करता हूँ, ज्यादा स्वीट और तला मत खाएं, ये मेरा रूटीन है। और मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा रोज जी। कुछ भी भागने चला गया, कुछ स्पोर्ट कर लिया, कम से कम 4 बार जिम, बिकॉज एज यू गेट ओल्डर आपकी मसल्स कम होती हैं धीरे धीरे, और जितनी आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी 60-70-80 साल में उतना आप अच्छी जिंदगी जियेंगे जी। और इंडस्ट्री में ही अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, आगे के लिए क्या सोचा है आपने? अब मैं कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोड्यूस की थी एक फिल्म एक्स और वाई, और 2-3 और चीजें कर रहा हूँ साथ में मैं जी। चलिए हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप जो करें बहुत अच्छे से करें। चलते चलते एक और गाना आपकी पसंद का जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। मेरा पहला और आखिरी नशा एक्टिंग जी, पहला नशा बहुत ही प्यारा गाना। सचिन जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, आपने हमें समय दिया। तमाम श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से हम आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, द प्लेजर वाज माइन। बता
पहला नशा पहला खुमार। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। Oh,
पर ले आए रे। पहलू में पनाह ले लो मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो। ए मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो। तूने पुकारा रे हम चले आए जान है तेरे पर ले आए रे। तूने पुकारा रे हम चले आए जान है तेरे पर ले आए रे। तुमने पुकारा रे हम चले आए मुझको छू लो मेरी नस नस में शरारे भर दो। मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले मैं तुम्हारी हूँ मेरी बाग में तारे भर दो। तुमने पुकारा हम चले आए दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा हम चले आए दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा हम चले आए। नाम रोशन है तुम्हीं से मेरे अफसाने का जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा हम चले आए जान है तेरे पर ले आए।